हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कुणाल, मैं आज आया हूँ उड़ीसा की कलिंगा नगर जखपुरा गांव में नौठ मंदिर आप लोगों को दिखाने के लिए। एक ही साथ में एक ही जगह में नौठ मंदिर, जैसे हो गया शिव का मंदिर, हनुमान का, शनि देव का, गायत्री का, लक्ष्मी माता का, राम लखन का, और भी दो तीन मंदिर यहाँ पे भी मौजूद जिसका नाम मुझे पता नहीं है। आप लोग आगे वीडियो में देख लीजिएगा। और इतना सुंदर प्लेस लाइफ में कभी नहीं देखा था। इतना सुंदर प्लेस उड़ीसा कलिंगा नगर जखपुरा गांव के अंदर इतना बढ़िया सा गार्डन भी बना हुआ है आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर आके हर भगवान का दर्शन ले लीजिए। तो चलिए, मैं मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। आप लोग मेरे साथ साथ मंदिर का सब दर्शन करिए। वीडियो के माध्यम से आप लोग को यहाँ पे आके भी दर्शन कर सकते हैं भगवान जी का। ये इतना सुंदर प्लेस है, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। आप वीडियो का मज़ा लीजिए। ये है प्रभु श्री राम का कुटिया। यहाँ पे राम लखन सीता आविर्भाव हुए थे। मैं अभी मंदिर की तरफ जाने वाला हूं। आप लोग देखिए, इसका चारों तरफ का नज़ारा है। आप लोग बैठने के लिए, घूमने के लिए बढ़िया सुंदर प्लेस है।
ये मंदिर काफ़ी पुराना है, यहाँ का जो पंडित पूजा अर्चना करते हैं उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे आगे को। देखिए ये कितना बड़ा तालाब है, ये तालाब में बहुत बड़ा बड़ा मछलियाँ हैं और हर रोज ये तालाब में जो मछलियाँ हैं उनको खाना खिलाया जाता है। बहुत बड़ा बड़ा मछली, एक एक मछली 5 किलो 10 किलो ऐसा होगा वेट उसका। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर प्लेस है। यहाँ पे हमेशा संकीर्तन होता है। बहुत सुंदर सुंदर पेड़ भी यहाँ मौजूद है। ये जो तालाब देख रहे हैं आप लोग, ये काफ़ी ऐतिहासिक तालाब है और साथ साथ ये मंदिर, 9 मंदिर है वहाँ पे मौजूद। ये मंदिर है, काफ़ी ऐतिहासिक मंदिर है। काफ़ी दूर दूर से ये ऐतिहासिक मंदिर लोग देखने के लिए आते हैं, यहाँ पे भगवान का दर्शन करके जाते हैं, मनोकामना भी पूर्ण करते हैं भगवान। और ये 9 मंदिर इतना सुंदर कारुकार्य में बना हुआ है, आप लोग देखेंगे नहीं तब तक यकीन नहीं करोगे। इतना सुंदर डिजाइन में बना हुआ है मंदिर, चारों तरफ डिजाइनिंग भरपूर।
मंदिर के चारों तरफ छोटा छोटा मूर्तियां हैं और साथ में चारों तरफ छोटे छोटे फूल का पौधा है। ये मंदिर के चारों तरफ बगीचा ही बगीचा है। देखिए किस तरह बगीचा इतना सुंदर में बनाया गया है, आप लोग घूमने का भी मज़ा ले सकते हैं चारों तरफ। इस बगीचे को थोड़ा गौर से देखिए, ये छोटा छोटा रजनीगंधा का पौधे लगाया गया है, साथ में फूल का पौधे और नींबू का पेड़, बहुत सारे फूल का बगीचा यहाँ पे बनाया गया है। ये मंदिर का पूर्व दिशा में ये बगीचा देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। ये जो सुंदर प्लेस आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ गांव का बुजुर्गों ने ये सुंदर प्लेस बनवाया और साथ में गांव के भी कुछ लोग यहाँ पे दीदी बगीचा को साफ सफाई रखते हैं, पानी पौधों में डालते हैं। ये जो जगह कुंड आप लोग देख रहे हैं, ये शायद भारत में बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ कुंड है। मैं पहली बार ऐसा यज्ञ कुंड देख रहा हूँ, इतना बड़ा आकार में बनाया गया है यज्ञ कुंड। Thank you.
तालाब जो देख रहे हैं आप लोग, इसका चारों तरफ नारियल का पेड़ और केला का बगीचा, साथ में बाकी फूल पौधे का पेड़ लगाया गया है सब। और ये तालाब में मछली भी आप लोग खाना खिला सकते हैं, मछली को, बहुत सारी मछलियां हैं तालाब में। ये रामेश्वर मंदिर है, आप लोग घर से देखिए रामेश्वर मंदिर का अंदर का नज़ारा देख लीजिए आप। चलिए मैं मंदिर के बारे में थोड़ा पंडित जी से बात करना चाहता हूँ, पंडित थोड़ा बताएंगे। अच्छा, हिंदी में तो इनको इतना जानकारी नहीं है, उड़िया भाषा में थोड़ा बात करना चाहते हैं भगवान के बारे में। ठीक है, ये है पंडित जी। पंडित जी थोड़ा आपका नाम बताइए। ये है शिव जी के पुजारी जी। यहाँ पे जितने सारे मंदिर है इनका पुजारी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। लेकिन पुजारी तो हिंदी से नहीं बोल पाएंगे शायद, थोड़ा अपना भाषा में, उड़िया भाषा में बात करेंगे। ठीक है, मैं पहले पंडित जी से थोड़ा पूछताछ करता हूँ। पंडित जी आपका नाम थोड़ा बताइए, अपना नाम नाटी कौन पंडित नोनांगर ना हूँ अभिमन्यु पंडा। ये कते दिन है कौन पूजा अर्चना कर 10 वर्ष हो गला। आउ टे भगवान कौन केमती आविर्भव होते हैं, कौन केमती है टे कहु। प्रभु दीर्घ 15-20 वर्ष है रामेश्वर मंदिर ये स्थापित
प्रथम रामेश्वर मंदिर तापर नौगोटी मंदिर अच्छी द्वितीय राम मंदिर तृतीय माँ संतोषी चतुर्थ राधाकृष्ण पंचम गणेश महाप्रभु षष्ठ हनुमान जी माँ गायत्री सूर्य और शनि मंदिर नौगोटी मंदिर स्थापित मु जी वर्ष रही मुख्य पूजक जे शिव मंदिर बहुत प्रथम छोट रास्ता पानी कादु रास्ता सब थिला से मंदिर मुख्य पूजक थे गुरांग चरण पंडा से बर्तमान अच्छा अनुपस्थित तांकर पुत्र ज्येष्ठ पुत्र मनमोहन पंडा से भी पूजा करते आउ जन मोर भाई हे मनोज पंडा से मध्ये पूजा करते चारि नना सेवायत अच्छा आम गाँव ये मंदिर विशेषता है प्रथम ये महाप्रभु 1920 मसीहा मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि ये स्वयं चलती विग्रह राम लक्ष्मण सीता महावीर हनुमान आविर्भाव होते से दिन ठू ये मंदिर बहु रामेश्वर ना सिना रामेश्वर पीठ ना ये मंदिर नामांकित होती रामंकर आविर्भाव जो दिन है ये मंदिर चलचंचल आहरी बढ़ी जाइए महाप्रभु निजे विजय करते तीन वर्ष है से निज इच्छा रे से नाम चली कुटीर मध्य से नाम चलुची आउ गायत्री मंदिर और शनि मंदिर सांगे गोटे यज्ञशाला स्थापित हो यज्ञशाला सारा ओडिशा भारत कथा कहीपर थी कौट समस्त स्थापन कर सारा भारत जदि दि चोरी यज्ञशाला था या भितर ये अन्यतम कहीं शाला हूँ तीन प्रकार गोटे प्रथमशाला गोटे मध्यमशाला आ गए उत्तम शाला ये शालाटी यज्ञशाला या 24 जोटा उत्तम शाला कहते ये जगार आउ गोटे विश्वस्त हो नवकुंड गायत्री यज्ञ आग को बृहत यज्ञ हबार बाकी अच्छी से तो समय कह महाप्रभु निर्देश अच्छे आउ गछलता आप सब देखुं गछलता फूल इटिकार फूल ये प्रभु निजे लगे पदारू ता भाग्य श्रद्धा बगिचा मंदिर या फल पर ब्राह्मण मान नीतिकांति विषय कहले सका मंगला आरती 4:30 पहली भोग खेचुड़ी भोग ये हूँ नीतिकांति प्रत्येक दिन पूजा ये जगार अच्छे जेहेतु 9 मंदिर ये अच्छी सबू बार सबु देवता ये अच्छा प्रत्येक सोमवार अभिषेक मंगलवार महावीर सुंदरकांड पूजा सहित बुधवार महाप्रभु रामचंद्र पूजा सहित पूजा हो गुरुवार माँ गायत्री शुक्रवार जगजननी माँ सत्य सनातनी दुर्गति नाशिनी सन्तोषी माँ पूजा शनिवार शनिश्वर आप शनिवार ये ड्यूटी करूँ शनिदेव पूजा चली आसते शनिदेव पूजा हो सकल शक्ति आधार जो कि सूर्य नारायण रविवार पूजा हो। अच्छा ये पूजा के जगर अच्छे बड़ बड़ सब पूजा ये अच्छे जगर जमी महाशिवरत्रि होगा जगर आमर धवलेश्वर बड़ ओषा एम बड़ आकार ये हूँ पूजार विधान कह ये तीनोटी बृहत फंक्शन हो गोटे महाशिवर शिवरात्रि जो कथा कहल शिव मंदिर गोटे रामचरित मानस कार्तिक मास शुक्लपक्ष षष्ठी तिथि आरंभ हुए पूर्णिमा पर्यंत रामचरित मानस ये बृहत यज्ञ सहित पारायण नामयज्ञ भूत यज्ञ अन्नयज्ञ तीन यज्ञर आयोजन ये रामचरित मानस भागवत सप्ताह रामचरित मानस कते दिन चले रामचरित मानस नवान्न नौ दिन सहित अंकुरापन तक अधिवास वार्षिक उत्सव अच्छे सब मिसिका 4 दिन तापर फाल्गुन मासरे महाप्रभु पर भागवत सप्ताह राधाकृष्ण मंदिर फाल्गुन मास पूर्णिमा से नवमी आरंभ हुए पूर्णिमा से शेष हुए तापर माँ संतोषी माँ नवरात्र मोर आश्विन मास शुक्लपक्ष आरंभ हो नवमी ये माँ पूजार विधान अच्छे चैत्र मास नवान
ମହାବୀରଙ୍କ ପାଖରେ ନବାନ୍ନ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହୁଏ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମାସ ବ୍ୟାପିକି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଷ୍ଟ ଅଭିଷେକ ଅଷ୍ଟାଧାୟୀର ଅଷ୍ଟ ଅଭିଷେକ ଅଷ୍ଟ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସବୁ ଅଭିଷେକ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଉବାରେ କ'ଣ କ୍ଷୀର ଦହି ମହୁ ଶର୍କରା ପଇଡ଼ ପାଣି ଘୃତ କୁଶଦକ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏସବୁ ମିଶିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମାସ ସାରା ଅଭିଷେକ ଆଉ ପାରାୟଣ ରାମଚରିତ ମାସିକିଆ ପାରାୟଣ ଗୋଟିଏ ହୁଏ ରାମଚରିତ ମାନସ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଆମର ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉଛି ଏ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ନବାନ୍ନ ପାରାୟଣ ଏଠି ହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନବାନ୍ନ ପାରାୟଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଢ଼ିବ ତିଥି କେଉଁ ତିଥି କ୍ଷୟ ହୁଏ କେଉଁଠି ସପ୍ତମୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେଉଁଠି ଷଷ୍ଠୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଟା ତ କହିହେବନି ତିଥି କ୍ଷୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଠି ନବାନ୍ନ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷ। ଆଉ କୃପା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ କହିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ସବୁ ଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂଟି କଲ ସିଏ ତ ଆମର ନୀତି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ଲାଗିବ ପୌଢ଼ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସକାଳ ସମୟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କତିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଶୋଭା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୋଟି ମୟୂର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ମରିଗଲେ। ଘୋଡ଼ାଟି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ସିଏ ମରିଗଲା। ହଂସ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ତ ଯାହା ହେବ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ହେବ ହାତୀ ଆସିବେ କି ଆସିବ ହେବ ଇଏ ମରିଗଲେ ଯାହାକୁ ହଂସ ଏଖୁଣିଆ କରିଛନ୍ତି। ଗଛ ଲତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ସେବା କରିବାକୁ ଚାରିଜଣ ପଣ୍ଡିତ ମନାସିନା ଅଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେବା କରିବାକୁ ପଛରେ ଯାହାକୁ ଡାକିଲ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ। ଗଛର ଯତ୍ନ ଫୁଲର ଯତ୍ନ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯଦି ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିବା କେମିତି କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରହିବା ଅତିଥି ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅତିଥି ଯିଏ ଧର ଆସିଲେ ବାଜି ବୈଷ୍ଣବ ଯିଏ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ପ୍ରସାଦର, ପ୍ରସାଦ ସମୟରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20 ଜଣ ପାଇଲା ଭଳିଆ ନୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି। ସକାଳୁ ତ କହିଲେ କହିଲି ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳର ଫଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ଆଉ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ବହୁ। ଆଉ ତ ଜଣେ ଏଠି ତା'ର ତା ନାତ ଏଖିଣା ଜାଣିବା ତାପରେ ପରେ ୟାକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଛି। ଆଉ ଫୁଲ ତ ଦେଖିଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନନା ଏଠି ଗାଁର କିଛି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଏଠି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20-25 ଯେଉଁ ଟଗର ହାର କେତେ କଷ୍ଟରେ ଖୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ତୁଳସୀ ହଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜେ ଚଳେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଚଳେଇବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜେ ତାଙ୍କ କାମ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ନନାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପୁଣି ପଚାରି ବୁଝିବା ନନାଙ୍କ ନାଁଟା ପ୍ରଥମ କହିବା। ନନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ନାଁ ହେଲା ମନମୋହନ ପଣ୍ଡା। ମନମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଆଚ୍ଛା ଏ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେଣି? ତ ମୁଁ ଏବେ ବାପା 30 ହେଲା ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ସେଟା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଏ ତାକୁ ସମୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ କରାଯାଇଛି। ବଳି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ 30 ହେଲା ପୂଜା କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ମନସ୍କାମନା ଯାହା ସବୁ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ? ନିଶ୍ଚିତ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଆସି ଉଦ୍ଯାପନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ କହିବେ। ସେମାନେ ବହୁତ ମାନସିକ ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ମାନସିକ ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାନସିକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଚାକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନସିକ କରିକି ନଡ଼ିଆ ବସାଇ ଗୁଆ ବସାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ, ଇଏ କି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା, ଗୋଟେ ଶୁଳ୍କ ଗାଇବେ ଏଇଟା ହେଲା ରାମ ମନ୍ଦିର। ଆମର ଏ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ଆମର ଏଇଠୁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ, ସେଠୁ ସେଦିନ ଠାରୁ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କହିଲେ 20 ବାହାରିଥିଲେ ସେଠୁ ଆସିକି ରହିକି ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଭାଗମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଆସିକି ସ୍ଥାପନା ହେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ପୂଜା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ଚାଲିଛି।
ଆମର ସେଠି ନାମ ଇରାଇ ରାମ ଠାକୁର ଏଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରିବା ଦିନ ଆମର ସେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କୁଟୀରରେ ଚାଲିଛି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜି 20 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ ଚାଲିଛି। ହେଇଗଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। इसका दूसरा हिस्सा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।